छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव के रविवार को घोषित नतीजे में कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। भाजपा के 18 साल पुराने गढ़ में सेन लगा दी। महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के युवा चेहरे विक्रम आहके ने भाजपा के 60 साल के वरिष्ठ अनंत धुर्वे को 3786 वोटों से हरा दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के 26 पार्षद प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। निगम गठन के बाद यह पहली बार है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की पसंद के उम्मीदवार ने निगम की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंका। भाजपा की सत्ता होने के बावजूद इस हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। अब भाजपा पार्टी के नेता अपनी हार के कारणों के चिंतन में जुटे हैं। इस चुनाव प्रचार में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार छिंदवाड़ा दौरा कर चुनावी प्रचार के बाद भी छिंदवाड़ा की जनता का नहीं जीत पाए विश्वास और कमलनाथ का गढ़ नहीं भेद पाई भाजपा। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी आहके ने भाजपा के अनंत धुर्वे को 3786 वोट से पटकनी दी। 26 पार्षद कांग्रेस के, 18 भाजपा के, 4 निर्दलीय परिणाम रहा है। आज जीत का जश्न मनाते हुए छिंदवाड़ा राजीव भवन में कांग्रेस के युवा नेताओं ने महापौर बनने पर विक्रम आहके का गाजबाजे और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने मुझे छिंदवाड़ा का महापौर पद का प्रत्याशी बनाया था और उसमें छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा के समस्त सम्माननीय वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर मुझे आशीर्वाद दिया। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। मैं इसके लिए छिंदवाड़ा जिले की जनता के लिए, छिंदवाड़ा मेरा परिवार है, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का परिवार है और कांग्रेस परिवार हमेशा छिंदवाड़ा का ऋणी रहेगा। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत के साथ गजानन बोरकर की रिपोर्ट।